ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। भारत की राजनीति में एक बात अक्सर कही जाती है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यही वजह है कि जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो राजनीतिक विश्लेषकों का सबसे ज्यादा ध्यान यूपी की राजनीति को समझने पर होता है। इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी का परिदृश्य बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी से मुकाबले के लिए साथ आ गई हैं। आरएलडी को भी साथ लाया गया है। इस गठबंधन का चुनाव नतीजों पर क्या असर होगा? एक सर्वे किया गया, सर्वे के नतीजे हैरान करने वाले हैं। यदि लोकसभा चुनाव में बीएसपी, एएसपी और आरएलडी गठबंधन साथ मैदान में उतरे तो चुनाव नतीजे 2014 के नतीजों के बिल्कुल उलट हो जाएंगे। 2014 में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 71 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें उनके सहयोगी अपना दल को मिली थी। सपा को महज 5 तो कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। आरएलडी और बहुजन समाज पार्टी का तो खाता तक नहीं खुला था, लेकिन सर्वे के नतीजे बताते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर सपा, बसपा और आरएलडी साथ चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन यूपी के 46% वोटों पर कब्जा कर लेगा। गौरतलब है कि 2014 में सपा को 22.2%, बीएसपी को 19.6% और आरएलडी को 1% वोट मिला था। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि अगर ये तीनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ी तो इनका वोट शेयर 2014 के कुल वोट शेयर 42.8% से बढ़कर 46% हो जाएगा, जो 2014 की 5 सीटों के मुकाबले 2019 में इन्हें 58 सीट तक दिला सकता है। इस गठबंधन की सफलता का सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होगा, जिसका वोट शेयर 43.3% से गिरकर 36% पर आ जाएगा और उसे मिली 73 सीट घटकर 18 रह जाएंगी। साफ है कि 2014 में मोदी को सत्ता तक पहुंचाने वाला यूपी इस बार उनके वे पार्टी के लिए बुरी खबर ला सकता है। सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आती है, सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन का कांग्रेस को कोई खासा नुकसान नहीं होने जा रहा है। उसका वोट शेयर 7.5 से बढ़कर 12% होने की उम्मीद है, जिसे 2014 के 2 सीटों के मुकाबले हुए 2019 में 4 सीटें जीत सकती है। अन्य पार्टियों के वोट शेयर में भी मामूली गिरावट होगी। हालांकि पिछले चुनाव की तरह उन्हें यहां से कोई सीट मिलने नहीं जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।